नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। बलिया में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह ने पुलिस ऑफिस में महिला आरक्षियों से तो वहीं बालिका सुधार गृह में संवासिनियों से बंधवाई राखी। बालिकाओं की मांग पर मंत्री जी ने तोहफे में अपनी बहनों को अपने पास से स्कूल की फीस और स्कूल जाने के लिए वाहन देने का किया ऐलान। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अब पहले पुलिस ऑफिस पहुंचकर महिला आरक्षियों से राखी बंधवाई। इस अवसर पर दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये महिला आरक्षी दूसरों का त्यौहार मनाने के लिए अपना त्यौहार छोड़ देते हैं, अपने स्वजनों अपने भाई से नहीं मिल पाती हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि पहली राखी इन्हीं से बंधवाएंगे, इसीलिए कि जो दूर दूसरे के त्यौहार में अपने को समर्पित कर देते हैं उनको त्यौहार का एहसास हो, खुशी का एहसास हो, इसलिए मैंने राखी बंधवाई है। ये समाज की रक्षा करती हैं तो ये भाई भी उनके लिए खड़ा रहेगा। इसके बाद मंत्री दयाशंकर सिंह बालिका सुधार गृह पहुँचे और वहाँ पर रह रही संवासिनियों से राखी बंधवाई और उन्हें उपहार भी भेंट किया। इस अवसर पर संवासियों ने मंत्री के सामने बाहर जाकर पढ़ाई करने की मांग की, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि जो इनके बाहर जाके पढ़ने में जो भी अड़चने आ रही हैं उनको जल्द ही दूर किया जाएगा। इससे पहले पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधाएँ दी गई हैं और आज करीब 2 करोड़ महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर रही हैं। देखिए, आज अपने बलिया पुलिस की जो हमारी महिला आरक्षी हैं उनसे राखी बंधवाने का कार्यक्रम हम लोगों ने किया, इसलिए कि आज रक्षाबंधन के त्यौहार है, दूसरे के त्यौहार मनाने में ये अपने त्यौहार को ये लोग छोड़ देते हैं, अपने स्वजनों अपने भाई से नहीं मिल पाती हैं, तो मैंने निर्णय लिया कि आज पहली राखी इन लोगों से बनवाएंगे कि जो अपने त्यौहार को अपने न मना करके दूसरे के लिए खुशी में अपने को पूरे समर्पित रहने वाले लोग उनको भी त्यौहार का एहसास हो, इसलिए मैं पहली राखी अपने जो हमारी सशक्त महिला आरक्षी हैं उनके साथ मैंने बनवाया। देखिए, वो दूसरे की समाज की रक्षा कर रही हैं और मैं योगी जी की सरकार में मंत्री हूँ, तो मैंने योगी जी की सरकार की तरफ से कहा कि आपके मान सम्मान का जो भी हो सकता पड़ेगी तो भाई आपके लिए खड़ा रहे। परिवहन विभाग तो हमारी सभी माताएं बहनों को माननीय योगी जी के निर्देश पर निःशुल्क यात्रा हर रक्षाबंधन पर कराता रहा है और आने वाले दिनों में और भी इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यही कहूँगा कि भाई योगी जी के राज्य में जो एक कानून का राज स्थापित हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आज जो भी विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का तो केवल कानून व्यवस्था के कारण हो रहा है। 2017 से पहले स्थिति नहीं थी कि यहाँ पर जो उद्योगपति थे वो यहाँ से भाग रहे थे, आज जो है उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपने कल कारखाने लगा रहे हैं, इससे उत्तर प्रदेश का रोजगार बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उसमें आप सोच सकते हैं कि आज बहनों का त्यौहार है और आज बहनें अपने भाई की राखी न बांध करके दूसरे के आज राखी बंधवाने में अपना सहयोग कर रही हैं, ये इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। जी के लाखों लोग उनको चाहने वाले हैं और उनको राखी बांधने वाले हैं, लेकिन जो अपने ड्यूटी पर है जो वो अपने परिवार के साथ नहीं मिल सकता है तो इसलिए वो हम लोग इनके साथ राखी बंधवाएं।